The same angels for my class, as we are working from home during this lockdown period. So we are here with a new video of class 9, subject physics, and chapter number 2, that is force and the laws of motion. Our progress topic is, we are going to define some definitions about the SI unit of force and the CGS unit of force. जैसा कि बच्चों हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने किया था, उसका स्टेटमेंट हमने किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसमें हमारी इक्वेशन डिराइव हुई थी एफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन ए गिवन टाइम इंटरवल डीपी बाय डीटी, मीन्स डीपी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, डीटी मीन्स टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में क्या चेंज हुआ मोमेंटम में, दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ओके। सो इन दिस वीडियो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वन न्यूटन की क्या डेफिनेशन होती है। जैसा कि हमने फर्स्ट लास्ट वीडियो में उस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन डिराइव की थी, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एफ इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होती क्या है, दैट इज न्यूटन, जैसा कि आप सभी जानते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एंड वन न्यूटन इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स की जो दूसरी ऐसा यूनिट है वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मास की किलोग्राम होती है ऐसा यूनिट, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोस्तों तो मास की क्या होती है ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द असाइनमेंट यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम वन न्यूटन को वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो असाइनमेंट ऑफ फोर्स इन न्यूटन एज वेल एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाई बी वाई एन इज डाई, ओके। नाउ व्हाट इज वन न्यूटन, वन न्यूटन क्या होती है, ए फोर्स इज सेड टू बी वन न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस वन मीटर स्क्वायर वन मीटर वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ वन किलोग्राम मास। सपोज कीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास वन किलोग्राम है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना, वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक किलोग्राम मास की बॉडी में फोर्स अप्लाई करने पर अगर वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो जो फोर्स आपने इस बॉडी में अप्लाई किया दैट इज कॉल्ड वन न्यूटन, क्या कहते हैं उसको, वन न्यूटन, ठीक है। नाउ व्हाट इज वन डाइम, अब सीजीएस यूनिट को डिफाइन करेंगे, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है डाइम, तो वन डाइम जिसे बोलेंगे, तो वन डाइम में क्या होगा, ए फोर्स इज सेड टू बी वन डाइम इफ इट प्रोड्यूसेस वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ वन ग्राम मास। अगर मान लीजिए ये बॉडी है इसका कितना मास है वन ग्राम, ओके, वन ग्राम मास की बॉडी है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स के कारण ये मोशन में आ गई, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ग्राम मास की बॉडी पर फोर्स लगाने पर अगर इसमें एक्सेलरेशन वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का डेवलप होता है तो जो फोर्स आपने इस बॉडी पे लगाया दैट इज कॉल्ड वन डाइम, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड वन डाइम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड द डाइम, अब न्यूटन और डाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है आइए इसे देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइम। सो वन न्यूटन दैट इज कैपिटल डिनोटेड बाई कैपिटल एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वन न्यूटन किसके इक्वल होता है वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वन न्यूटन इक्वल्स टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वन न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम को हमने चेंज किया ग्राम में, यानी वन किलोग्राम इक्वल्स टू वन थाउजेंड ग्राम इंटू वन मीटर को हम कह सकते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर, तो मीटर को हंड्रेड सेंटीमीटर में चेंज किया हंड्रेड सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर को एस टी होता है, ओके। तो फ्रंट स्क्वायर वन न्यूटन विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीरो है ना, तो फाइव जीरो मीन टेन रेज टू द पावर फाइव, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेन टू द पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वन न्यूटन इज इक्वल्स टू टेन रेज टू द पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, अब आप देख सकते हो कि अगर मैं मास सीजीएस सिस्टम में यूनिट लूं तो ग्राम होगी और एक्सेलरेशन भी सीजीएस सिस्टम में क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बनेगी फोर्स की ऐसा है वो सॉरी सीजीएस है दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को हम डाइम भी बोलते हैं। तो वन डाइम जो होता है
one dime, जो कि सीरियस मीटर फोर्स थी, इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 डाइम लिख सकते हैं। तो 10^5 × 1 डाइम, 10^5 डाइम, तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10^5 डाइम। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइम। अंडरस्टूड? तो नाउ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हो कि अब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। उसमें कैसी, पहली जो एप्लीकेशन है, दैट इज ए क्रिकेट प्लेयर लॉवर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जब कोई क्रिकेट प्लेयर किसी कैच को पकड़ता है, सपोज कीजिए सामने से बॉल आ रही है, उसे कैच करता है, तो कैच करते समय वो अपने हैंड्स लोअर कर लेता है, नीचे कर लेता है, पीछे की तरफ। क्यों कर लेता है ऐसा करने से? ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बॉल का, वो कम लगेगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आप देख सकते हो, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ जाता है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स विल बी लेस। तो ये फोर्स चेंजिंग मोमेंटम का होगा बॉल का, जितना भी होना होगा। बॉल मेरी तरफ आ रही है, कैच कर रहा है प्लेयर, तो बॉल का कुछ ना कुछ मोमेंटम है। जैसे ही मेरे हैंड्स में आएगी, बॉल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो मोमेंटम विल बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो चेंजिंग मोमेंटम हुआ, और चेंजिंग मोमेंटम जितने ज्यादा समय में होगा, जितने ज्यादा टाइम में होगा, उतना ही फोर्स कम अप्लाई होगा हैंड्स पर। तो इसलिए जो बॉल होगी, और जब अगर हम पीछे की तरफ हैंड्स करके देंगे, तो चेंजिंग मोमेंटम को होने में ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा इसका टाइम इज मोर देन द फोर्स इज विल लेस। तो आपके हैंड्स पर फोर्स जो है वो कम लगेगा बॉल का, आपका हैंड इंजर्ड नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड? तो थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो।